हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यश क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम मैट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ओपन स्फीयर एंड क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है, इसका हम पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम इनको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे हम अपने चीजों को रिलेट कर सकें, और इसमें हम बहुत सारी चीजों के बारे में और भी जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दीजिएगा ओपन स्फीयर। ठीक है, ओके, ओपन स्फीयर एंड साथ ही साथ हम इसी में ही डिस्कस करेंगे क्लोज्ड स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो चीजों को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको और बताता हूं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ओपन स्फीयर एंड क्लोज्ड स्फीयर आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दे चुके होंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमें यूनिट फर्स्ट में बात करना था कि मैट्रिक स्पेस क्या है, मैट्रिक स्पेस के एग्जांपल्स पर बात करना था, देन उसमें हमें सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस पर भी बात करना रहेगा। ठीक है, कॉची मैट्रिक स्पेस पर भी बात करना रहेगा। तो वो सारी चीजें जो हैं वो अब इनके बाद ही आती हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि हमारा जो पूरा मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, चाहे यूनिट फर्स्ट हो, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट थर्ड हो, चाहे यूनिट फोर हो, ये पूरा यूनिट एक तरीके से मिसलिनियस ही चलेगा। ठीक है, इसलिए मैं मैट्रिक स्पेस का केवल एक ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसमें यूनिट वाइज मैं डिवाइड नहीं करूंगा। हो सकता है बाद में चलते हुए मैं डिवाइड कर दूं, लेकिन आप लोग प्लीज मैट्रिक स्पेस का जो पूरा सीक्वेंस में जो एक प्लेलिस्ट होगा उसी को ही आप लोग देखिए, जिससे आप लोग एक दूसरे से चीजों को रिलेट कर पाए। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास सिलेबस है वो अलग पोर्शन में तोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना ऐसे ही चाहिए, इसलिए मैं इसको ऐसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि ओपन स्फीयर क्या है। पहले एक एक करते हुए सारी चीजों पर हम बात करेंगे, लेकिन ओपन स्फीयर का हम सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं, उसके बाद ही चीजों पर हम बात कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक्स गामा डी, ठीक है, बी आर मैट्रिक स्पेस, ठीक है, या क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि लेट हमारे पास पी कोई एक एलिमेंट है जो कि सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें हम बात करते हैं तो हमारे पास एक्स जो है वह एक सेट होता है, डी हमारे पास एक मैपिंग होता है, और यह मैपिंग जो होता है यह चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जिसमें हमारे पास नॉन निगेटिविटी, इक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी और सिमेट्री कंडीशंस होते हैं। उन्हें जब सेटिस्फाई करता है तब हम कहते हैं कि यह डी हमारे पास एक मैट्रिक बन चुका है, और यह जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता है इसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास मैट्रिक स्पेस होता है। ओके, इसलिए बातें तो हम जानते हैं। तो अब यह अगर एक्स हमारे पास सेट है तो इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हमने रियल नंबर का सेट देखा था जिसे हम कह रहे थे कि यह यूजुअल मैट्रिक स्पेस है। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में हमने रियल लाइन को जब देखा था तो रियल लाइन पर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से हमने एक एलिमेंट को ले लिया, सपोज किया कि वह पी है जो कि उसी सेट एक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एंड और साथ ही साथ हम एक छोटा सा कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू सपोज कर लेते हैं कि R हमारे पास, उसका मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं और वह जीरो से बड़ा है। ठीक है, हमने क्या किया, R एक वैल्यू लिया जो कि जीरो से बड़ा हमने सपोज किया, यह अपनी तरफ से हम ले रहे हैं। ठीक है, देन तब इस सिचुएशन में मैं क्या बोलने वाला हूं, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, x belongs to capital X such that, ठीक है, such that, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए कि अगर मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं d of p comma
एक्स निकालूं तो यह हर एक वैल्यू से छोटा, आर से छोटा होना चाहिए। समझना इस बात को, भी मैं समझाऊंगा, पहले मैं डिफिनेशन को लिख दे रहा हूं, उसके बाद इन चीजों को अभी बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इज कॉल्ड एज, ठीक है, इज कॉल्ड, तब इसको ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास ओपन स्फीयर है, ठीक है, ओपन स्फीयर और ओपन बॉल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैं समझाने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, यहां पर मैंने क्या बोला है, पहले सेंटेंस को समझते हैं, फिर इसको ग्राफिकली भी हम समझेंगे, और फिर इसके बाद हम इसे रिप्रेजेंटेट कैसे किया जाते हैं, इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन सभी चीजों पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कि एक्स कामा डी एक मैट्रिक स्पेस है, एक्स हमारे पास एक सेट है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, तो हमने केवल एक एलिमेंट को हमने पिक कर लिया, कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो उस एक एलिमेंट को पिक किया और उसे मैंने बोला कि वह P है और वह X सेट से ही बिलोंग करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। फिर हमने R एक नंबर को ले लिया, नंबर कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर हो, बस जीरो से बड़ा होना चाहिए, वह एक भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, यानी कि 0.5 भी हो सकता है 0.1 भी ले लूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह जीरो से बड़ा होना चाहिए, बस सिंपल सा ये लॉजिक है, ठीक है। और ये हम अपनी तरफ से लेंगे, आई नो ये चीजें आपको परेशान करेंगे, चीजों को अडॉप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं जितनी भी चीजों को बताता चलूंगा उन चीजों को प्लीज रिवाइज करते रहिएगा, साथ ही साथ उन्हें थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए कि कैसे हो रहा है चीजें, तभी आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तब ऐसे हमारे पास सेट का, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हम एक सेट बनाएंगे जिसमें x के वो सभी एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे, x के, x बिलोंग्स टू x मैंने लिखा है, यानी कि x सेट के वो सभी एलिमेंट्स का हम एक सेट बनाएंगे, जो कि अगर हम dpx निकालते हैं तो वह r से छोटा होना चाहिए। अब dpx इज लेस देन r का मतलब क्या हुआ, कि अगर हम p जो हमने पॉइंट लिया है और x हमारे सेट के किसी भी एलिमेंट को हम ले सकते हैं, इनके बीच का जब हम d निकालेंगे, d मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस फंक्शन ही तो है, जब इनके बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वह r से छोटा ही होना चाहिए, लेस देन का मैंने कंडीशन यूज किया है। तो ऐसे कोई भी हमारे पास पॉइंट जो कि x सेट से बिलोंग करेंगे, उन सभी का हम एक कलेक्शन बनाएंगे तो उसे हम सेट कहते हैं, और उसी सेट को ही तब हम ओपन स्फीयर या ओपन बॉल कहेंगे। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, नहीं समझ में आया हो तो आइए बात करते हैं, इसे और भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सपोज करिए कि ये हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। अब जब यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, तो इस मैट्रिक स्पेस में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पर एक एलिमेंट है जिसे मैं कह रहा हूं कि यह पी एलिमेंट, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ यह मान लिया कि हमारे पास r इज इक्वल टू समथिंग मान लेते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि r इज इक्वल टू हमारे पास है 0.5, जो कि जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इसी, यह जो हमारे पास एक्चुअली r होता है, ठीक है, यहां पर एक चीज और मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। r जो होता है वो एक्चुअली रेडियस होता है इस स्फीयर का, स्फीयर मतलब कैसे समझाऊं, कुछ दिख नहीं रहा है, गोलाकार चीज नहीं दिख रहा है। आप लोग नॉर्मली फुटबॉल तो देखे ही होंगे ना, तो फुटबॉल जो होता है उसका जो एकदम सेंटर पॉइंट होगा, फुटबॉल हमारे पास, फुटबॉल इमेजिन करिए, अगर आपके आसपास है तो उसे देख भी सकते हैं, जो फुटबॉल होता है उसका जो सेंटर होगा वो कहीं उसी के अंदर ही तो होगा। अब उस सेंटर पर अगर ध्यान दिया जाए तो उसके चारों ओर हमारा फुटबॉल का स्फीयर होता है, फुटबॉल का स्फीयर मतलब उसका सरफेस होता है, ऐसे मैं कह सकता हूं, उसके चारों तरफ क्या होता है, फुटबॉल का सरफेस होता है, और वो एक्चुअली एक स्फीयर ही तो होता है, फुटबॉल जो है वो एक्चुअली एक स्फीयर ही है, उसे हम थ्री डायमेंशन में अगर बात करते हैं तो, टू डायमेंशन में बात करेंगे तो वो रिंग हो जाएगा, अगर वन डायमेंशन में बात करेंगे तो वह सर्कल हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, जस्ट इमेजिन दैट, ये सारी चीजें आप इमेजिन करते चलिएगा, क्योंकि यहां से आप सीधे इमेजिनेशन पर ही डिपेंड आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर मैंने जो ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट बताया है, यहां पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इट इज डिनोटेड, ठीक है, इट इज डिनोटेड, ठीक है, बाई, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं यस, यानी कि स्फीयर पी कामा
आर से हम डिनोट करते हैं, या फिर कई बार आप कई बुकों में देखेंगे तो इसे हम बी का पी कामा आर से डिनोट करते हैं। तो दोनों में से कोई एक आप ले लीजिए, तो मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यह जो पी होता है ठीक है, वह इस ओपन स्फीयर का, वह फुटबॉल का सेंटर डिनोट करता है, और आर जो होता है वो उस सेंटर से फुटबॉल का जो सरफेस है उससे कितनी दूरी का वह फुटबॉल है। बड़ा फुटबॉल है तो रेडियस बड़ा होगा, छोटा फुटबॉल ले लूंगा, अगर मैं जंपर गेंद जो आता है ठीक है, जो 10-15 रुपए वाला आता नहीं है गेंद, तो उसका अगर हम साइज देखेंगे तो वो छोटा होगा, उसका सेंटर उसी में रहेगा और उसका जो रेडियस होगा वो छोटा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा फुटबॉल लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा फुटबॉल लेंगे छोटा हो जाएगा, यानी कि कोई भी गेंद अगर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो उसका रेडियस जो होता है वो हमारे पास आर है, उसका जो सेंटर है वो हमारे पास पी है। बातें समझ में आई? अब मुझे लग रहा है कि आप लोग रिलेट तो कर लेंगे होंगे, ठीक है, लेकिन ये बात आपको अभी भी हजम नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो रहा है। चलिए यहां पर सुनिए, ठीक है, अभी इतनी बातें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं, तो मैंने बोला यह हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है, इसका यह जो हमारे पास पॉइंट है उसे मैं कह रहा हूं कि यह एक पी पॉइंट है, जो मैट्रिक स्पेस का एक पी पॉइंट है। अब हमने आर कोई भी एक रेडियस सपोज किया और उसी रेडियस का हमने यहां पर एक स्फीयर ड्रा कर दिया, ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर ड्रा हो चुका है। ओके, अच्छी बात है। तो यहां से लेकर अगर हम इस सेंटर से बात कर रहे हैं और इस सरफेस पर हम बात कर रहे हैं, अगर यह सर्किल है तो हम सरकमफ्रेंसिस कहेंगे, अदरवाइज स्फीयर है तो यहां पर हम फिलहाल सरफेस कहते हुए चल रहे हैं, तो इसके बीच का यह जो डिस्टेंस है ठीक है वो 0.5 है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम सपोज करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसी स्फीयर के अंतर्गत ऐसे ही कुछ फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, हम सभी जानते हैं। तो अगर ऐसा प्रेजेंट है ठीक है, तो इस पी पॉइंट से, यहां पर अब ध्यान दीजिए, इस पी पॉइंट से, और अगर मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है ठीक है, पता नहीं ये क्लियर विजुअल हो रहा होगा या नहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ठीक है, ताकि जूम की तरह दिखे। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा सरफेस बना दे रहा हूं ठीक है, ताकि आप लोग और भी आसानी से इन चीजों को रिलेट कर सकें, नहीं तो हो सकता है आप लोग बाद में कंफ्यूज होने लग जाए। यहां पर जो मैं बनाया था गोला, वो मैं बड़ा गोला बना रहा हूं ठीक है, तो ये हमारे पास एक बड़ा गोला है, यहां पर हमारे पास एक सेंटर पी है, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो मैट्रिक्स का सेट है वो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स इसी में है हमारे पास प्रेजेंट होंगे ठीक है। तो अगर यहां पर प्रेजेंट हैं ठीक है, तो अब इस सेंटर पी से अगर हमारे पास यहां पर एक एलिमेंट प्रेजेंट है, कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो सकता है, इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डी पी एक्स, हमारे पास यह जो पॉइंट है वो मैंने कहा कि यह एक्स पॉइंट है, यह हमारे पास सेंटर है, तो अगर हम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि डी पी एक्स जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डी पी एक्स ही तो कहते हैं ठीक है। तो यह जो वैल्यू होनी चाहिए वह इसके रेडियस से हमेशा छोटी ही होनी चाहिए, और इसका रेडियस मैंने बोला है 0.5, तो यानी कि इसका जो हमारे पास रेडियस होगा, डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास 0.5 से हमेशा छोटा ही होना चाहिए, हमेशा छोटा ही होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स इस 0.5 से छोटे रेडियस में इस स्फीयर के अंतर्गत आएंगे, उन सभी का हम कलेक्शन बनाएंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर यह जो पॉइंट आया है वह x1 है, ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम x2 कहेंगे, ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसे हम x3 कहेंगे, लेकिन इस स्फीयर के बाहर और इसके अगर हम सरकमफ्रेंस पर बात कर रहे हैं, इसके हम सरफेस पर अगर बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सरफेस है ना, तो इस सरफेस पर अगर कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो सभी के सभी हमारे ओपन स्फीयर में नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी हमारे पास एलिमेंट जो कि इस सरफेस के अंदर है वो सभी के सभी हमारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ही ओपन स्फीयर कहलाता है, जिसे हम ओपन बॉल दूसरे शब्दों में कहते हैं, और इसी को मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी।
ठीक है। मैंने ऐसे बोला क्यों, क्योंकि ये चीजें एडॉप्ट करनी पड़ती हैं, चीजों को इमेजिन करना पड़ता है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा होगा, ठीक है ओके। जैसे कि नॉर्मली अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं खड़ा हूं ठीक है, मैं अपने आप को सेंटर पर रख रहा हूं, मेरा हाथ जो है जितना भी बड़ा होगा ठीक है, ये हमारा क्या है, ये रेडियस है ठीक है। अब इस रेडियस के अंतर्गत जितने भी चीजें आएंगी ठीक है, मैं जहां तक अपने हाथ को फैला सकता हूं वो हमारे पास रेडियस है। अब इस रेडियस के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी के सभी मेरे लिए ओपन स्फीयर के अंतर्गत एलिमेंट्स ही कहलाएंगे, और उन सभी का कलेक्शन ही ओपन स्फीयर कहलाएगा। जैसे मार्कर प्रेजेंट है, मेरे रेडियस में है ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये मेरे एरिया में है, तो यह मेरा ओपन स्फीयर कहलाएगा ठीक है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं ठीक है, तो मैंने बोला है कि इस सरफेस और इस सरफेस के बाहर की चीजें हमारे ओपन स्फीयर में नहीं आएंगे ठीक है। तो ये तो लॉजिक यहीं से ही बात क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि आर से तो छोटा होना चाहिए, अगर आर के बराबर हो गया तो भी हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा ठीक है। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, बस ध्यान दीजिएगा, अगर आर के बराबर हो गया यानी कि 0.5 के बराबर अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो गया तो वो हमारे उस ओपन स्फीयर में नहीं आएगा, क्योंकि वो उस सरफेस पर प्रेजेंट हो, और सरफेस वाले एलिमेंट्स को हम ओपन स्फीयर में नहीं रखेंगे ठीक है। यानी कि फुटबॉल का जो सरफेस है उस सरफेस पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे ओपन स्फीयर में नहीं आएंगे, ये बातें आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट तो मैंने लिखा है, लेकिन बहुत बड़ी चीज यहां पर मैंने आपको बताया है, तो अगर आप इतनी बातों को समझ चुके होंगे तो आप लोग समझ लीजिए बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है लेकिन ओपन स्फीयर क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है कि ये कैसे होता है ठीक है। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ओके। तो अब चलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, आइए बात करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय दिस, यहाँ पर आप लिख लीजिए ओ आर आर बी पी कामा आर ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट होगा, जो पहला कोऑर्डिनेट होगा, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेंटर है, और दूसरे वाले को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेडियस है ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक्सचेंज कर देता हूँ तो बात बदल जाएगी, ध्यान रखना बदलना नहीं है ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करने या एक्सप्रेस करने के तरीके पर बात करते हैं तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो एक्सप्रेस हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि हमारे पास एस पी कामा आर जो होता है ठीक है, यानी कि पढ़ेंगे क्या, ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर पी इज इक्वल टू, एक सेट होता है एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस का सेट एक्स है उसके उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो कि हमारे सेंटर पी और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारे रेडियस से छोटा ही होना चाहिए, तो ऐसे ही एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा, ओपन स्फीयर कहलाएगा। चीजें समझ में आई, मैंने बहुत चीजें बताया है, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोग एडॉप्ट कर पाए होंगे और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी ठीक है। तो यहां पर हमने ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब चलिए बात करते हैं क्लोज्ड स्फीयर पर ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम क्लोज्ड स्फीयर का कॉन्सेप्ट भी फटाफट से डिस्कस करेंगे। आई नो कि चीजें आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लेकर सर्जी डिस्कस किए हैं, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट हो चुका है ना, तो उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा समय लेकर इस चीज़ को डिस्कस कर दिए, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक बात समझो बच्चों, मैंने आपका अगर 10 मिनट लिया है ठीक है, और इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, और अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो आप फिर कभी भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। लेकिन मैंने बोला ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं खुद अपने साथ वाले दोस्तों से देखा हूँ या जो मेरे साथ पढ़ रहे होते थे उनके साथ मैंने देखा था कि वो पूरे सेमेस्टर, उस समय तो ईयरली था, वो पूरा ईयर ही ख़त्म हो जाता था, पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था, लेकिन वो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट भी नहीं तोड़ पा रहे थे कि नेबरहुड क्या होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद ही सोचिए, ओपन स्फीयर तो बहुत बड़ी बात होती है,
और अगर आप इस 10 मिनट में समझ गए हैं तो बहुत बड़ी जंग जीत चुके हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब अपने क्लोज्ड स्फीयर पर। ठीक है, तो क्लोज्ड स्फीयर का कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद आप फटाफट से चीजों को समझ जाएंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने क्लोज्ड स्फीयर पर। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है, डिफिनीशन डिट्टो सेम रहने वाला है, बस छोटा सा डिफरेंस है और वह बहुत मेजर डिफरेंस होता है। क्या होता है ये बात करते हैं। लेट एक्स कामा डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड लेट पी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, जो जैसे था वैसे ही मैं मानकर चल रहा हूं। एंड आर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, इस आर को मिस नहीं करना है पहली बात तो, क्योंकि रेडियस हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं। ओके, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आर इतना है तो आपको मानकर तब चलना पड़ेगा कि हाँ इतना है, लेकिन अगर नहीं दिया है, नहीं बताया गया है, तो आपको खुद से सपोज करना है कि हाँ ये रेडियस है, वह कितना भी बड़ा हो सकता है कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो हमारे पास r ग्रेटर देन जीरो है, देन तब ऐसे सिचुएशन में हम x के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन लेंगे जो कि डी पी कामा x इज लेस और इक्वल टू r होना चाहिए, इज लेस और इक्वल टू हमारे पास r होना चाहिए, तब हम इसे कहते हैं कि यह हमारे पास क्लोज्ड स्फीयर है, या फिर इसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास क्लोज्ड बॉल है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका आमतौर पर एस स्टार कहते हैं, और इसे बी तो हटा ही दीजिए। ठीक है, ये जाने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आमतौर पर इसे हम एस स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर लेस और इक्वल का साइन लग जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिफिनीशन तो बहुत छोटा सा था, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या है, ये तो समझ में आ ही चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। हमने देखा था कि ओपन स्फीयर में जब हम ओपन स्फीयर को ड्रा कर रहे थे तो उसका जो सरफेस था और उसके बाहर के एलिमेंट, सरफेस और उसके बाहर के जो एलिमेंट्स थे उन्हें हम ओपन स्फीयर में काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अगर कोई भी एलिमेंट उसके सरफेस पर भी आ जाएगा तो वो सभी के सभी एलिमेंट्स को अगर हम काउंट कर ले जाएंगे, उनका एक सेट बना ले जाएंगे, तो उस प्रकार के स्फीयर को हम कहते हैं क्लोज्ड स्फीयर। क्या कहते हैं? क्लोज्ड स्फीयर। तो ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर में बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ओपन स्फीयर में हम स्फीयर के अंदर के एलिमेंट्स का ही कलेक्शन लेते हैं, जबकि हम क्लोज्ड स्फीयर में स्फीयर के अंदर के कलेक्शन को तो लेते ही हैं लेते, साथ ही साथ उसके सरफेस पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सभी के सभी हमारे, उन सभी का कलेक्शन भी लेंगे तो वो हमारे पास क्लोज्ड स्फीयर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर समझ में आ चुकी है तो एक छोटा सा पॉइंट मैं बताऊंगा, आप लोग इस बात को भी रिलेट कर ले जाएंगे, और वो बात ये है कि हमेशा याद रखिएगा अब आप लोग कि हमारे पास जो ओपन स्फीयर होता है, ठीक है, जिसमें हम सेंटर को फिक्स कर रहे हैं, रेडियस को भी फिक्स कर रहे हैं, और उसी सेंटर उसी रेडियस का अगर हम क्लोज्ड स्फीयर भी बनाते हैं, ठीक है, तो यह जो हमारे पास ओपन स्फीयर होगा यह इस क्लोज्ड स्फीयर का एक सबसेट ही होगा, क्योंकि 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 ओपन स्फीयर में तो हम स्फीयर के सभी अंदर के एलिमेंट्स को लेते हैं, और क्लोज्ड स्फीयर में अंदर के एलिमेंट्स को लेने के साथ साथ सरफेस के भी एलिमेंट्स को लेते हैं, तो यानी कि अंदर के एलिमेंट्स तो क्लोज्ड स्फीयर में भी प्रेजेंट हैं, ओपन स्फीयर में भी प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हमारे पास ओपन स्फीयर क्लोज्ड स्फीयर का एक सबसेट हो जाता है, और हम क्लोज्ड स्फीयर में सरफेस के भी एलिमेंट्स को लेते हैं, इसलिए हमारे पास क्लोज्ड स्फीयर जो होता है वह ओपन स्फीयर से बड़ा सेट होता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए इस बात को? तो आप लोग इस चीज को अभी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने ओपन स्फीयर पर इतना ज्यादा टाइम दिया था तो क्लोज स्फीयर हमारा फटाफट से कंप्लीट हो गया, अदरवाइज इसमें भी हम उसी चीज को फिर से अभी समझाते कि यहां पर हम बाउंड्री को भी एलिमेंट्स के मतलब मेंशन करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तब उसके बाद हम और भी चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, ओपन स्फीयर क्लोज्ड स्फीयर, क्या अब आपको कुछ भी डाउट है इसमें? अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप लोग जानते ही हैं, कमेंट करिए और उसके बाद आप अपने डाउट को पूछिए। अगर मुझे लगा कि हाँ ये कोई जेन्युइन कमेंट है जिसे
जिसमें जो मैं वीडियो में डिस्कस नहीं किया हूं, तो आप सभी को जरूर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं और भी चीजों को समझते हैं। अब देखो बच्चों, ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर, मैं स्फीयर जब वर्ड उपयोग कर रहा हूं, यानी कि यहां थ्री डायमेंशन के लिए बात की जा रही है। ठीक है, थ्री डायमेंशन, क्योंकि अगर हम फुटबॉल देखते हैं तो वो थ्री डायमेंशन होता है, उसमें लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती, ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको वन प्लेन पर बात कर रहे हैं, प्लेन ना कहते हुए हम इसको एक सरफेस पर बात कर रहे हैं, यानी कि हम ले रहे हैं थ्री डायमेंशन के बजाय वन डायमेंशन पर अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशन अगर मैं लेता हूं, तो वन डायमेंशन मतलब एक रियल लाइन, या हमारे पास रियल लाइन जो होता है वह एक वन डायमेंशन होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अगर हम एक रियल लाइन को ड्रा कर दे रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा, यह वन डायमेंशन कहलाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए और चीजों को बस सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इसे नोट डाउन करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि यहां पर एक हमारे पास पी एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस पी एलिमेंट से हमने सपोज किया कि यह पी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने सपोज कर लिया कि पांच हमारे पास है। ठीक है, और हमारे पास यह p का वैल्यू है, यानी कि p का वैल्यू हमारे पास 5 है, और हम सपोज कर ले रहे हैं कि r का जो हमारे पास वैल्यू है, वो r का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि 1 है। ठीक है, तो 1 जो है वह 0 से बड़ा है, मैंने इंटीजर लिया है क्योंकि इससे हमारे पास समझना आसान हो जाएगा, अदरवाइज फ्रैक्शनल भी ले सकते थे। ठीक है, तो अब इस 5 से हम एक कदम आगे जाएंगे, तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचे, तो 5 से एक कदम आगे जाएंगे तो 6 मिलेगा, और एक कदम पीछे जाएंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं ओपन स्फीयर ड्रा कर रहा हूँ, तो ओपन स्फीयर यानी कि इस 4 को छोड़कर इसके बाद के ये जो जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, थोड़ा बड़ा कर दूँ, चलो इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं सपोज कर लीजिए कि मैं जूम कर रहा हूं और यह जो हमारे पास 4 है वो जूम करने पर यहां नजर में आ रहा है, 6 जो है वो जूम करने पर यहां पर नजर में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर सुनिएगा कि अगर हम 5 के रिस्पेक्ट में, यानी कि सेंटर को हमने बनाया 5, रेडियस को हमने ले लिया 1, जो कि 0 से बड़ा है, तो इसके अगर हम ओपन स्फीयर को ड्रा करते हैं, तो इस 4 को छोड़कर, क्योंकि बाउंड्री के एलिमेंट्स को तो लिया नहीं जा सकता, इस 6 को छोड़कर, क्योंकि हम सरफेस के एलिमेंट्स को ले नहीं सकते, तो इसके बाद यहां पर जो जितने भी एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट होंगे, चाहे वह इधर से हम काउंट करें चाहे उधर से काउंट करें, वो सभी के सभी हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, वो सभी एलिमेंट्स हमारे ओपन स्फीयर के ही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहां से अब अगर ध्यान से देखा जाए, तो अगर मैं एक ओपन स्फीयर 4,6 लिख रहा हूं, ठीक है, यह एक ओपन स्फीयर ही है, ओपन स्फीयर ही तो है, क्योंकि हम सेट बनाए, तो सेट में हमने 4 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स को रखा, लेकिन 4 और 6 को हम रख नहीं सकते, तो इसलिए अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास x बिलोंग्स टू x, वो सभी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे जो कि 4 से तो बड़े होने चाहिए लेकिन 6 से छोटे होने चाहिए, और इसी को ही तो हम कहते हैं कि यह हमारे पास जो हमारे पास कलेक्शन है, इसी कलेक्शन को ही तो हम कहते हैं कि यह ओपन इंटरवल है, और इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर हम रियल लाइन पर बात करेंगे, वन डायमेंशन पर अगर हम बात करेंगे, तो जो हमारे पास ओपन स्फीयर होता है, ठीक है, उसका जो ओपन स्फीयर होता है वह एक ओपन इंटरवल ही होता है। समझ में आई बात, रिपीट करूं, आई थिंक जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसके क्लोज्ड स्फीयर पर बात कर रहे हैं, तो क्लोज्ड स्फीयर यानी कि इस 4 को अब हम काउंट करने लग जाएंगे और इस 6 को भी हम काउंट करने लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहां पर लेस और इक्वल का भी साइन लग जाएगा और यहां पर ग्रेटर और इक्वल का भी साइन लग जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो इसका इंटरवल बनाते हैं वो क्लोज्ड इंटरवल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली इसी का डिफिनेशन ही होता है, ये क्लोज्ड इंटरवल का डिफिनेशन है। ठीक है, कि सेट एक्स के वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन हम लेते हैं जो कि 4 और 6
के बीच के एलिमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जब मैं इक्वल का साइन लगा दिया यानी कि चार और छः को भी हम रखेंगे, सरफेस के भी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें क्लियर हुई, ओके। यानी कि अगर हम वन डायमेंशन रियल लाइन पर बात करेंगे तो हमारे पास जो ओपन स्फीयर होता है वो एक्चुअली ओपन इंटरवल ही होता है, क्लोज्ड स्फीयर जो होता है वह क्लोज्ड इंटरवल ही होता है, ओके। अच्छी बात है, चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब यहां पर इसको और मैं एक्सटेंड करने वाला हूं, ठीक है। अब सपोज करते हैं, ठीक है, क्या सपोज करते हैं, मैं बस अब छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं कि अब यहां पर लेक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सेंटर पी है, ठीक है, और इसका मैं क्या कर रहा हूं, रेडियस मैं ले रहा हूं, रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है, सेंटर पी है, रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका जब मैं ओपन स्फीयर जब मैं ड्रा करूंगा तो एस पी आर होगा, और इसका अगर मैं सेंटर, और अगर हमारे पास एक इंटरवल दे दिया गया है कि ए कामा बी है, ठीक है, और यह ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए कामा बी कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें उस ओपन स्फीयर का, ये ओपन इंटरवल है तो ओपन स्फीयर, ओपन इंटरवल है तो ओपन स्फीयर, तो इस ओपन स्फीयर का अगर हम सेंटर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है कि ए प्लस बी बाई टू। तो इस प्रकार से हमारे पास सेंटर P पता चल जाता है। अगर हमें रेडियस पता करना है तो रेडियस का फार्मूला होता है B माइनस A अपॉन में 2। यहाँ पर हम ऐड करते हैं, यहाँ पर हम बड़े वाले वैल्यू से छोटे वाले वैल्यू को घटा देते हैं और उसका डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम रेडियस को निगेटिव ले नहीं सकते, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास किसी भी ओपन स्फीयर का सेंटर और रेडियस पता चलता है, ओके। अब अगर यहां पर हम क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर पर बात कर रहे हैं, क्लोज्ड स्फीयर यानी कि इस रेफरेंस में हम क्लोज्ड इंटरवल बोल रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारे पास सेंटर P और रेडियस R का फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला नहीं बदलता, फार्मूला वही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन दोनों वैल्यूज को निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आया होगा, अगर आप चाहें तो इसे ट्रिक के तौर पर लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो और बचे हुए हैं लेकिन हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो कितना बड़ा हो चुका है। चलो वीडियो काफी सफिशियंट हो चुका है, 32 मिनट 33 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास क्लोज्ड स्फीयर और ओपन स्फीयर कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, यानी कि यह हमेशा नॉन एम्प्टी ही होता है, क्योंकि उसका जो सेंटर है वह उसके ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में हमेशा ही प्रेजेंट होगा, वह कभी भी ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल एम्प्टी नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करता हूं, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छा लग रहे हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।